कहीं उसके बाद है हमारा नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारे पास वह एनोइन वैकेंसी, वाय एनाइन वैकेंसी। अब यहां पे किसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, नाम से कह रहा है एनाइन मिसिंग होगा। अब देखो हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हैं जिसमें एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, ठीक है। ये हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया, देखो गाइस हम क्या करते हैं यहां से पास करते हैं सोडियम वेपर्स। इस क्रिस्टल में से हम क्या पास करेंगे, सोडियम वेपर्स। अब आपको पता है कि सोडियम को सोडियम जो डिसोसिएशन होता है वो होता है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, सोडियम इसमें क्या हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहां से मिस क्या हो रहा है, क्लोरीन, यहां से मिस क्या हो जाएगा क्लोरीन, और वो क्या करेगा Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे Na Cl। पीछे क्या बच जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा ये वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर देगा। ये जो सेंटर क्रिएट हुआ इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर, ठीक है गाइस, इसको क्या बोला जाता है एफ सेंटर्स। एफ जो बोल रहा है ये डिराइव किया गया है फाब से, फाब का मीनिंग क्या होता है कलर, ठीक है गाइस। अब ये जो सेंटर क्रिएट हुआ इसके कारण ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्या होता है हमारे पास कलर होता है। ऐसे NaCl का आपको पता है सॉल्ट का कलर क्या होता है वाइट, लेकिन जैसे ही ये डिफेक्ट्स अराइज होंगे तो जो NaCl के क्रिस्टल का कलर क्या हो जाएगा येलो कलर का क्रिस्टल वो हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारे पास एनाइन वैकेंसी। उसके बाद है हमारे पास गाइस सेकेंड बाय एक्सेस ऑफ मेटल। अब यहां पे क्या होगा मेटल क्या होगी गाइस एक्सेस में होगी। देखो कैसे मेटल एक्सेस में होगी, अगर सपोज करो हमारे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। तो सपोज करो ये हमारा जिंक 2 पॉजिटिव का क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, क्या होगा इसमें, मैंने क्या बोला एक्सेस ऑफ मेटल, मेटल को मुझे जिंक, अब जिंक क्या होगा यहां पे एक्सेस में होगी, वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगी। अब यहां पे अगर जिंक प्रेजेंट है जिंक 2 पॉजिटिव, अब देखो इस चार्ज को इस 2 अब 2 पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा एक्सेस में प्रेजेंट होगा, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला था गाइस कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो क्या रहती है मेंटेन रहेगी। नॉन स्टाइकोमेट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी वो मेंटेन रहेगी, लेकिन जो मेटल होगा वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मेटल क्या होगी, जो हमारे पास केटाइन है वो एनाइन से ज्यादा है। देखो केटाइन कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है, ये हमारे पास 7 केटाइन का। एनाइन देखो ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो केटाइन और एनाइन की रेशियो है वो तो क्या होगी चेंज होगी, लेकिन इन पे चार्ज देखो चार्ज तो बराबर रहेगा ना, जितना आपके पास केटाइन पे चार्ज है उतना ही आपका एनाइन का पूरा टोटल चार्ज होगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी बाय एक्सेस ऑफ मेटल। यहाँ पे मेटल कौन सी एक्सेस में, जिंक 2 पॉजिटिव एक्सेस में, ठीक है गाइस। पता लग गया ये आपके पास थे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स की सेकेंड टाइप बाय एक्सेस ऑफ मेटल। अब थर्ड जो लास्ट है इसकी इसमें वो है हमारे पास बाय, यहां पे क्या थी एक्सेस ऑफ मेटल बाय डेफिशिएंसी ऑफ मेटल, बाय डेफिशिएंसी ऑफ मेटल। अब डेफिशिएंसी ऑफ मेटल किन केसेस में अराइज करते हैं, जब हमारे पास कोई एलिमेंट होगा वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, अब आपको ये भी पता है कि आयरन +2 भी शो करता है और आयरन +3 भी शो करता है, ठीक है। अब देखो हम क्रिस्टल ले लेते हैं फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल ले लिया हमने। अब देखो क्या होगा, यहां पे जो आयरन प्रेजेंट है वो Fe2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में। क्रिस्टल ड्रा कर लेते हैं Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव,
अब देखो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, तीन जो हमारे पास मेटल है आयरन की, तीन जो एटम है वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। मीन हमारे तीन आयरन टू पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। अब यहाँ से कितना चार्ज बाहर गया, टोटल देखा जाए तो प्लस सिक्स। अब इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेंगे कितने। अब आयरन आपको पता है आयरन टू पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन थ्री पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। अब देखो अगर मैंने इसको बैलेंस करना होगा तो हमने कितने आयरन यहां से रिमूव किए, तीन आयरन टू पॉजिटिव। अब टोटल चार्ज कितना बाहर गया, प्लस सिक्स। अब इस चार्ज को बराबर करने के लिए हम कितने आयरन डालेंगे, थ्री पॉजिटिव वाले टू, ठीक है। अब देखो दो आयरन टू थ्री पॉजिटिव, ये देखो मैं यहां से रिमूव करता हूं पहले वन टू और तीन, मैंने एफई टू पॉजिटिव रिमूव कर दिए, प्लस सिक्स चार्ज बाहर चला गया। इसको मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, आयरन थ्री पॉजिटिव यहां पर भी एड कर दिया, आयरन थ्री पॉजिटिव यहां पे भी ऐड कर दिया। देखो गए कितने थे बाहर, तीन, अंदर कितना आया दो, एक जो साइड थी वो क्या होगी हमारी वेकेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होगी बाय डेफिशिएंसी ऑफ मेटल, मीन जो आयरन टू पॉजिटिव था वो हमारा एक कम हो गया, उसकी जगह हमने क्या ऐड किया दो आयरन थ्री पॉजिटिव, लेकिन एक जो वैकेंसी थी वो क्रिएट होगी, इसके कारण क्या होगा बाय डेफिशिएंसी ऑफ मेटल, इस डिफेक्ट को कहा जाता है। अब देखो अब यहाँ भी देखो चार्ज तो बराबर है, लेकिन स्टाइकोमेट्री देखो क्या आयरन की कितने, आयरन टू पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, आयरन थ्री पॉजिटिव भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन टू नेगेटिव प्रेजेंट है। आयरन टू पॉजिटिव की देखो कितना, वन टू थ्री, ठीक है गाइस, तीन ये प्रेजेंट है, और आयरन टू पॉजिटिव कितने थे दो, और ऑक्सीजन देखो कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स और टू नेगेटिव है, तो साइकोमेट्री क्या होगी बराबर नहीं है, तो इसलिए इन डिफेक्ट्स क्या बोलेगा नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब गाइस लास्ट जो डिफेक्ट है हमारे पास वो है हमारे पास इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है गाइस, लास्ट जो डिफेक्ट है वो हमारे पास है इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स। अब गाइस देखो इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स कैसे अराइज होते हैं, हमारे पास कोई प्योर क्रिस्टल है, हम क्या करते हैं उसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे। अब जब इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे उस टाइम जो डिफेक्ट अराइज होगा उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। अब देखो गाइस इम्प्यूरिटीज ऐड करने के जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी known as doping, ठीक है गाइस। अगर हम इम्प्यूरिटी जो ऐड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग। अब देखो गाइस इम्प्यूरिटीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज होती है और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज होती है। ट्राइवेलेंट जो इम्प्यूरिटीज होंगी उनकी बैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज होंगी उनके बैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है गाइस। अब देखो मैंने क्या बताया, इम्प्यूरिटीज दो टाइप की होंगी हमारे पास, एक तो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज और सेकेंड पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। अब जो ग्रुप नंबर 13 होता है, ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज वाले, ठीक है, और ग्रुप नंबर जो 15 के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज। अब होता क्या, हम क्या करते हैं ग्रुप नंबर 14, जैसे हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेंगे और उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड कर देंगे ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज, तो वो कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 14, सिलिकॉन का ग्रुप क्या है 14। अब होता क्या, हम ग्रुप नंबर 14 में जब ग्रुप नंबर 13 की इम्प्यूरिटीज डालेंगे, जब ग्रुप नंबर 13 की डालेंगे तो कौन सी इम्प्यूरिटीज होंगी, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज जिनके बैलेंस में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ग्रुप नंबर 15 की डालते हैं तो ग्रुप नंबर 15 की कौन सी इम्प्यूरिटीज है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज जिनके बैलेंस में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो गाइस एडिशन किस तरह होगा, अब हम ले लेते हैं ग्रुप नंबर, अब ये भी पता है ग्रुप नंबर 13 कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली और ग्रुप नंबर 15 आपकी नाइट्रोजन फैमिली। अब हम सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल ड्रा करते हैं, ये आपके पास सिलिकॉन, ठीक है गाइस, ये आपके पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब सिलिकॉन का भी आपको पता है कि किससे इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, कार्बन से, ठीक है, जैसे कार्बन आपका टेट्रावेलेंट होता है, ये भी टेट्रावेलेंट नेचर का होता है, ये भी चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखो भाई ये तो सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, अब मैंने क्या बोला अगर इसमें हम क्या करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज डालते हैं, मीन आपका ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज कौन सी होगी, बोरॉन फैमिली की होगी, बोरॉन फैमिली में क्या होता है इसका अटॉमिक नंबर कितना होता है 5,
ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थ्री। अब देखो गाइज यहाँ पे मैंने इसने सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बनाए, चार। अब मैं जब यहाँ पे बोरॉन ऐड कर दूंगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। अब यही तीन बॉन्ड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो एक बॉन्ड क्या हो गया गाइज यहाँ पे, तीन बॉन्ड थे उसमें बोरॉन ने बना दी सिलिकॉन के साथ। अब जो एक बॉन्ड था वो क्या बच रहा है, फ्री बच रहा है, ठीक है गाइज। अब उसी बॉन्ड के कारण जो फ्री बच गया वहां पे क्या होता है, उसी बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, ठीक है गाइस, पता लग गया। ये थी हमें कौन सी एडिशन की, ट्राइवलेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो गाइस इसी में मैं क्या करता हूँ, पेंटावलेंट न्यूक्लियोटाइड्स आ देता हूँ। अब पेंटावलेंट न्यूक्लियोटाइड्स कौन सी होंगी, नाइट्रोजन फैमिली की, जैसे मैंने आर्सेनिक ले लिया, उसके ग्रुप का मेंबर क्या है, आर्सेनिक। अब देखो आर्सेनिक में पांच इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के फाइव इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब देखो इसके बाद चार इलेक्ट्रॉन सिलिको, अब ये चार इलेक्ट्रॉन तो चार जो बॉन्ड बनाने के चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बॉन्ड तो क्या बच जाएगा, फ्री बच जाएगा। अब यू जीव ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी में हेल्प करेगा, ठीक है गाइस, पता लग गया। ये थे हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एक और है हमारे पास, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक स्टेट, ठीक है, इन आयोनिक सॉलिड्स और वी कैन से दैट इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड्स। अब देखो गाइस हमारे पास कोई NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉलिड इसमें हमने क्या ऐड करना है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। अब ये अगर NaCl क्या करेंगे, मोल्टन स्टेट में लेंगे तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये तो सॉलिड होगा फिर तो एडिशन तो पॉसिबल नहीं होगा। इसे हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को जब हीट करेंगे, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, तभी ये साइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्शियम है वो है प्लस टू स्टेट में, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू। अब जब मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, तो आपको पता है ये मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल अगर मैं ड्रा करता हूँ, मैंने पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, अब देखो गाइस यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम में कितना चार्ज है, प्लस टू। अब मैं यहां से क्या करता हूं, जब स्ट्रॉन्शियम में ऐड होना होगा, अगर इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस टू, इसमें यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस वन, तो कितने सोडियम बाहर निकालने पड़ेंगे इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, दो सोडियम। तो गाइस मैंने यहां से दो सोडियम को रिमूव कर दिया, ठीक है, दो सोडियम क्या चलेगी बाहर चलेगी, तो एक स्ट्रॉन्शियम में ऐड हो जाएगा। अब देखो एक स्ट्रॉन्शियम क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन एक वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम तो एक ही ऐड हो रहा है, सोडियम कितने बाहर गए, तो स्ट्रॉन्शियम तो एक ही ऐड हुआ, इस टाइम जो अब ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी ये क्या करेगी, हेल्प करेगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में, ठीक है, जो कनेक्टिविटी होगी इसी के कारण होगा। अब हमारे पास ये डिफेक्ट्स खत्म हो गए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी, ठीक है गाइस, ये था सारा आपका डिफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है गाइस, थैंक यू।